लॉकडाउन हुआ था तो क्या क्या स्थिति थी अभी? भाई लॉकडाउन से पहले या फिर? लॉकडाउन जैसे एक टाइम उसी समय आ गया। अच्छा पहुंच गया भाई सिक्किम। पहुंच गए भाई। थका हुआ है? बिल्कुल। कितने घंटे बाद पहुंचे हैं जरा बताएं अपनी ऑडियंस को। 25 घंटे ट्रेन के और 6 घंटे इसके। हाँ करीबन 32 आवर्स हो चुके हैं और अभी हम MG मार्ग की तरफ वॉक करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। अभी MG मार्ग जाके थोड़ा खाना वाना खाते हैं और यहाँ पे सिर्फ टैक्सीज हैं, यहाँ पे ऑटोज रिक्शाज नहीं है। एंड जैसे भूटान में था नो हॉन्किंग का सिस्टम है, वहाँ पे यहाँ पे भी यही है अनलेस रिक्वायर्ड। थोड़ी डिटेल्स और मैं बताऊँगा। यू कैन सी द तिब्बतियन फ्लैग्स हियर, ऐसे काफ़ी सारे दिखेंगे आगे। एंड यू कैन सी भूटान के जैसा जो आर्किटेक्चर था वो यहाँ पे भी है। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, स्टे ट्यून्ड। समझ आ रहा है कि ये जो पहाड़ी लोग होते हैं और इस नॉर्थ ईस्ट में लोग होते हैं ये इतने फिट क्यों रहते हैं, बिकॉज ऊपर नीचे करते रहते हैं ना, हमारे 2 मिनट में सांस फूल जाती है। यहाँ से जो बस स्टेशन था उससे करीबन 2 किलोमीटर की वॉक है। टैक्सी 200 लेती है, हमने सोचा वॉक करके ही चलते हैं। अपने रूम में आ गए हैं गैंगटॉक में फाइनली। आई थिंक यार कल 6:30 सुबह के निकले हुए हैं और अभी करीबन 4 बज चुके हैं, तो मान लो कितने घंटे हो गए यार, अब कैलकुलेट करना ही मुश्किल है। ये देखो पसरा हुआ है, कहाँ है भाई, दूसरी साइड पे। कितने घंटे हुए भाई गिन, 24 घंटे तो वही हो गए, 6 घंटे वो और 30, मतलब 32 आवर्स हो गए। तो यार अगर आप थोड़े से मिजाज से स्ट्रांग हो ना, मतलब थोड़ा थोड़ा दम है ना, तभी ये करना एडवेंचर, ट्रेन फिर बस और फिर यहाँ पे MG मार्ग में भी हमने कैब नहीं ली, दैट्स वाई वी सेव मनी। आप सोचते हो बजट कैसे रखते हैं, दिस इज हाउ बजट ट्रैवलिंग होती है। दिस इज आवर रूम, क्या नाम है भाई होटल का? तुषिता। काफ़ी डिसेंट है यार, और बाथरूम भी है, दिखा देता हूँ आप लोगों को, आपको क्यूरियोसिटी होती है। ऑल्दो मेरे को भी होती है यार कि कहाँ पे जा रहे हो, कितना बजट रखना होता है। तो इसके लिए ऑनलाइन हमने चेक करा था तो 900 रुपये बताए थे, बट हमने भाई से बात करके जो रिसेप्शन पे थे उनसे मिला लूँगा थोड़ी देर में, उनसे पूछा था तो उसने कहा 1200। अब हम हैं भाई टॉप नेगोशिएटर, तो बिल्कुल सेल्स का बंदा होना चाहिए था मेरे को और इसको। हम उसको ले आए भाई 800 रुपये पे, तो सही है यार। कल इसके एक दो भाई तेरे दोस्त ने भी आना है। क्या नाम है उनका? अनुरूप छेत्री। अनुरूप छेत्री, अनुरूप छेत्री छेत्री। अच्छा अच्छा वो यहीं पे कैलिमपोंग के ही है, कैलिमपोंग है वेस्ट बंगाल में, तो वो आएंगे, उनसे भी मिलवाऊंगा। वो भी यहीं पे रहेगा हमारे साथ, शायद हमारा नॉर्थ सिक्किम जाने का प्लान है तो वो भी जाएंगे हमारे साथ। तो जैसे मैं बता रहा था रूम काफी अच्छा है, नाम है होटल तुषिता, यहाँ पे MG मार्ग के पास है। MG मार्ग महात्मा गांधी मार्ग, वहां पे उनका स्टैच्यू भी लगा हुआ है, विच वी विल शो अभी थोड़ी देर में बाहर जाएंगे। वाले से पूछेगा तो बेहतर बताएगा। नहीं आपके हिसाब से अभी लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे? लोग तो आ रहे हैं। अच्छा लेकिन कम। और अभी यहाँ पे जैसे जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या क्या स्थिति थी? अभी लॉकडाउन हुआ था तो यहाँ तो स्थिति एकदम खराब था। बिल्कुल ठीक थी? नहीं नहीं खराब था। खराब था, दुकान बंद है। अच्छा दुकान बंद है। अब दुकान बंद है तो स्थिति तो खराब हो ही गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक महीने में 5 किलो चावल और 2 किलो दाल दे दिया तो उससे क्या? अच्छा ये सरकार ने दिया है? ये दिया था सबको दिया है, फिर जो थोड़े हम लोग, अब हम लोग नीचे के प्लेन के, लेकिन हम लोगों को भी मिला था। अच्छा और अभी सरकार कुछ मदद कर रहा है जो छोटे जो जो बिजनेस हैं उसकी मदद कर रहा है अभी? नहीं बता सकता। अच्छा भाई
चल ठीक है जी, धन्यवाद जी। हम लोग आ गए हैं एमजी मार्ग पे, एज यू कैन सी पीछे है मेरे भाई। तेरे को कैसा लग रहा है अभी तक गैंगटॉक बता दे? चिल सी वाइब है, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया जैसा लग रहा है। यहाँ पे कोरियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है वो मैं अगली वीडियो में शायद शेयर करूँगा। यहाँ पे के पॉप, के ड्रामा, कोरियन के, कोरिया के स्टोर्स, ये मेरे को एक्चुअली मैंने जब रिसर्च करी थी तब भी मेरे को नहीं पता था लड़के लड़कियों ने सेम जो फैशन कोरिया में चलता है वो यहाँ पे। और कुछ कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जैसे भाई अभी पीछे देखा था ना हमने, क्या नाम था, एक्सटेप पता नहीं, हो सकता है कोई कोरियन ब्रांड हो। और मतलब लोगों ने जैसे वहाँ पे कपल्स जैसे ड्रेसेस नहीं पहनते साथ साथ, मतलब मैचिंग टाइप की वैसी भी पहनी हुई थी। और यहाँ पे काफ़ी कोरियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो इस पर अलग वीडियो आएगी जहाँ पे मैं थोड़ी शॉप्स आपको दिखाऊंगा। देखते हैं, लेट्स सी। ये है कुछ एमजी मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, दिस इज़ नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी जी। उनका एक स्टैच्यू भी है शायद आगे है, वो चल चल के दिखाते हैं। अभी बहुत भूख लग रही है, थोड़ा खाते हैं। और यार यहाँ पे 4:30 बजे ही अंधेरा हो गया था, मतलब बिकॉज ईस्ट में सनराइज़ भी पहले होता है, सनसेट भी पहले होता है, तो दैट इज़ प्रॉब्ली द रीज़न। और इसके पीछे एक कुछ साल पहले चला भी था कि ईस्ट को अपना टाइम जोन होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे टाइम डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू भूटान और नेपाल तो आधे घंटे का डिफरेंस आ जाता है, आधे घंटा शायद वो लोग हैं आगे हमसे, मतलब यहाँ पे 5:30 बजेंगे तो वहाँ पे 6 बजेंगे ऐसा कुछ है। तो ईस्ट का भी चल रहा था ना कि इनका टाइम जोन बदलना चाहिए, बट ऑब्वियसली हुआ नहीं। चलते हैं आगे और दिखाता हूँ आप लोगों को। एक और दिक्कत जो यहाँ पे आ रही है कि जैसे एशियन कंट्रीज़ में बहुत लोग रिजर्वड होते हैं ना, यहाँ पे बहुत लोग रिजर्वड हैं, वो अपने आप में रहने वाले हैं, उनसे थोड़ी बातचीत नहीं हो पा रही है। तो वो मैं कोशिश करूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में दूँ, बट अभी तो मेरी इतनी बातचीत हुई नहीं यहाँ के सिकमीज़ लोगों से या यहाँ के लोगों से इन जनरल। भाई तू सिक्किम का ही है या वेस्ट बंगाल का? वेस्ट बंगाल का, सिक्किम का है भाई? कहाँ का है? सिलीगुड़ी का है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कैसा चल रहा है अभी 2-3 महीने से? कम होगा, ख़त्म ही हो गया होगा। तो सर यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ दे रही है अभी? गवर्नमेंट कुछ दे रही है? यार दिस इज़ द महात्मा गांधी जी का स्टैचू। और एक इसके आगे मेरे को किसी ने बताया था आधा वाला स्टैचू भी है, वो भी दिखा दूंगा। बट दिस इज़ बिल्ट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ बापू, अपने महात्मा गांधी जी। लिखा हुआ है माय लाइफ इज़ माय मैसेज, महात्मा गांधी जी 1869 to 1948, फादर ऑफ द नेशन। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अलग स्टेट्स में शायद नहीं देखोगे। दिस इज़ समथिंग विच इज़ यूनिक टू नॉर्थ ईस्ट। जैसे मैं कुछ मेंशन करूँ, एक तो यार क्लिनिनेस देखो, हर जगह डस्टबिन्स लगे हुए हैं और ऐसे बेंचेस लगे हुए हैं टू सेट। ऑल्दो ये सारे हिल स्टेशन में होते हैं, बट यार दिस इज़ वेरी नीटली केप्ट। आप देख सकते हो छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे फ्लावर्स लगाए हुए हैं एंड नो स्मोकिंग एरियाज़ हैं। आप बाहर पब्लिक में स्मोक इज मोस्टली प्रोहिबिटेड, अलग से एरियाज बनाए हुए हैं उन्होंने। हर जगह के लिए स्ट्रीट साइंस लगे हुए हैं, पब्लिक रेस्ट रूम्स फॉर द हेल्प ऑफ टूरिस्ट। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था कोरियन कल्चर काफ़ी फेमस है यहाँ पे, यू कैन सी पीपल बींग ड्रेस्ड लाइक दैट। उसके अलावा फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे अच्छे हैं ऑफ दिस प्लेस। लोग अपने आप में रहते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बात करना मुश्किल हो रहा है, बट लाइक आई शोड यू एमजी मार्ग, दिस इज़ द पॉपुलर एंड द हिप स्पॉट। यहाँ पे पब्स हैं, बार्स हैं, लिकर स्टोर्स हैं, बिकॉज ड्रिंकिंग इज़ अ कल्चर ऑफ सिकमीज कल्चर एंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इन जनरल। इनकी खुद की लिकर्स होती हैं, ब्रांडी, रम, वाइन यहाँ पे जो बनती है वो मैं अगर ट्राई करूँगा तो उसका भी रिव्यू दे दूँगा। उसके अलावा बहुत नीट है यार, तेरे को कुछ भी गिरा हुआ दिखा अभी तक? ऐसे नहीं दिखा ना, यहाँ पे तो सिगरेट भी अलाउड नहीं है बाहर पीना। हाँ वही मैंने अभी बताया था, प्रोहिबिटेड है कुछ पब्लिक एरियाज में। तो दिस इज समथिंग जो यूनिक है इस जगह के लिए। दार्जिलिंग में थोड़ा सिमिलर था, बट वो दार्जिलिंग तो वेस्ट बंगाल में आ जाता है। एज सून एज आप बंगाल और सिक्किम वाला क्रॉस करते हो, इंस्टेंट डिफरेंस है। जैसे बंगाल से आप भूटान जाते हो, बहुत
नोटिसेबल डिफरेंस आता है. इट्स द सेम इन सिक्किम. ये बोर्ड लगा हुआ देख. बोर्ड लगा क्या लिखा हुआ है? नो स्मोकिंग एरिया. यस यू कैन. ऐसे बोर्ड्स हर जगह लगे हुए हैं. डस्टबिन्स हर जगह हैं. और दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने इंस्टेंटली रियलाइज करी और कोई भी करेगा जो एज अ टूरिस्ट या ट्रैवलर आएगा. और एक और चीज बोल बोल. थोड़ा मास्क नीचे कर ले. लिकर शॉप पे पहली बार मैंने एक लेडीज को ऑपरेट करते हुए देखा. ये मैं भूल गया था. यस कैन यू इमेजिन कि यार यूपी में या किसी पंजाब के किसी लिकर स्टोर में एक लेडी लिकर सेल कर रही है. नहीं ऐसा नहीं होगा. बट इन नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे 3 लिकर स्टोर्स हमने दूर से देखे. वैसे हमने कुछ खरीदा नहीं. हम ज़्यादा पीते वीते हैं नहीं. बस जस्ट टू हैव फन वी डू इंडल्ज इन सम अल्कोहल सम टाइम्स. बट जैसे मैं बता रहा था 3 लिकर स्टोर्स देखे थे. उसमें से 2 पे एक लेडी बैठी हुई थी विच इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी. जैसे खाना पीना सर्वर जो होते हैं जो वेटर्स होते हैं यूजुअली मैन होते हैं. मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी में इट्स मेल डोमिनेटेड. बट आई थिंक यहाँ पे इवन फीमेल्स आर डूइंग दैट पार्ट. एंड आई थिंक ये कोई म्यांमार गया था. किसी ने शेयर करा था कि म्यांमार में ऐसा सेम होता है कि देयर मेल सर्वर्स नहीं होते फीमेल सर्वर्स होते हैं. तो ये कुछ इंसाइट बताई है मैंने. अभी हम कहीं जाते हैं थोड़ा सा चिल करते हैं रिलैक्स करते हैं. काफ़ी थक गए हैं ना. चल चलते हैं. एम जी मार्ग में ही चल रहे हैं वापस. कुछ करते हैं. अभी ये बार पे भाई क्या नाम है? सुमित. जो सुमित आपका नाम सुमित है. बार का नाम क्या है? कैफे लेवल. लाइव एंड लव. और भी है क्या कोई यहाँ पे? नाइट लाइफ ऐसी है यहाँ पे? नहीं लाइव मुझे तो वही. लेकिन कम कम थोड़ा 7:30-8 बजे खत्म हो जाती है. 8 बजे तक खत्म हो जाए. उतना रश नहीं रहता है. बट ये लेकिन क्यों है ये? क्योंकि सनराइज जल्दी होता है और दिन भी जल्दी ढलता है इसलिए. और 9:30-10 बजे नहीं पता नहीं ये पब्लिक की वजह से पता नहीं कुछ तो ये कोविड की वजह से. नहीं नहीं ऐसा ही है. ऐसा ही है. सुबह 6 से 8 तक सब क्लोजिंग होना है. 8 बजे. और रेस्टोरेंट कब तक बंद हो जाते हैं? रेस्टोरेंट में भी आपका 11 to 12 तक बंद. मे बी मतलब 10 बजे तक बंद होने शुरू हो जाते हैं. शुरू हो जाता है. आप यहाँ का गैंगटॉक का ही है. हिट अच्छा लगा आपको? अच्छा. यार ये है सिक्किम की बियर. यहाँ पे एक ब्रूरी है युक्साम ब्रूरी. उसका बियर युक्साम. ये कहाँ पे? द फर्स्ट ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ सिक्किम. या ये है वेस्ट सिक्किम है ना? वेस्ट सिक्किम पेलिंग के आगे. मैंने चेक करा था मैप पे. तो भाई हमें मिल गए यहाँ पे. उनसे थोड़ी बात करी यहाँ पे. आपको भी डाल दूँ? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या नाम है आपका भाई? सदीपेश. सदीपेश आप कितने साल से हैं भाई यहाँ पे? मैं सर इधर तो रिसेंटली हूँ. इससे पहले मैं मुंबई और बेंगलोर में था. वहाँ पे बार पे ही काम करता? बार में था. तो अभी गांव में आके इधर ही. आप कब आए? लॉकडाउन से पहले या फिर? लॉकडाउन से पहले हुआ, उसी समय आ गया. अच्छा तो अभी कैसा सिचुएशन था यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे? उस समय पूरा फुल्ली लॉकडाउन फुल. और अभी 1-2 महीने पहले खुला है ना? सर आपका कौन सा चैनल है आपका? मैं अभी आपको बताता हूँ चैनल. तो बताता हूँ मैं. देसी वैगाबॉन्ड करके है. आप चैनल देख सकते हो. बट ये टूरिज्म का तो खत्म ही हो गया होगा फिर. मतलब ये कैफे कहाँ चल रहा था? अभी चलेगा. अच्छा 2 महीने पहले तो वो था. मतलब अभी 15 दिन आगे हो गया. नॉर्थ सिक्किम खुल गया. हाँ ईस्ट सिक्किम खुल गया. या ऊपर आप जलूक जाएगा, ये नाथांग जाएगा. हाँ ये आप उधर ऊपर बाबा धाम जाएगा. सब खुल गया. बाबा धाम का? बाबा धाम बोले तो ऊपर गुरुडंगमा. गुरुडंगमा गुरुडंगमा नॉर्थ में. गुरुडंगमा नॉर्थ. बाबा धाम का काम? बाबा धाम बोले तो छांगू. छांगू. अच्छा छांगू भी जाना. छांगू खुल गया. इधर अभी सिचुएशन थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो गया. सही हो रहा है. सही हो गया. आप कितने साल थे? 5 साल. देखो ना बाहर इतना लफड़ा हो गया. यार करीबन
अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और ये स्ट्रीट एमजी मार्ग ये पूरा खाली है, बिकॉज यार यहाँ पे 9 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। बार्स खुले रहते हैं 10 बजे तक, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ क्लोज। रेस्टोरेंट सारे बंद हो जाते हैं और स्टोर सारे बंद हो जाते हैं, एंड दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, दैट इज़ यूजुअली द केस। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ क्लोज बाय 8:30-9, तो इसका ख्याल रखना अगर आप लोग आना चाहते हो बाहर रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए या फिर टू गेट अ बियर और एनीथिंग, मतलब कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। भाई 8:30 बजे ना अभी सब बंद हो चुका है, बिल्कुल 8:40 हुए। अभी चलते हैं होटल, वापस चलते हैं। आज कुछ हमने ज़्यादा करा नहीं, हमारा प्लान भी नहीं था। कल हम लोग गैंगटॉक एक्सप्लोर करेंगे एंड देन परसों वी विल टेक अ ट्रिप टूवर्ड्स नॉर्थ सिक्किम, विच विल बी रियली अमेजिंग। वहाँ पे काफ़ी ऐसी जगह हैं, जैसे आपने कश्मीर में जन्नत इन्जॉय करी थी, अब आप नॉर्थ ईस्ट की जन्नत इन्जॉय कर। तो यार जैसे मैं बता रहा था, 1975 से पहले सिक्किम को ऑटोनॉमी दी हुई थी, उसके बाद एक रेफरेंडम हुआ था